हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे SPPU के OP लैब का ग्रुप ए का थर्ड प्रैक्टिकल का पार्ट 1। बिकॉज़ ये थोड़ा लेंदी होगा, सो इसमें हमें एक प्रोग्राम बनाने का डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग द इन्फॉर्मेशन नेम, रोल नंबर, क्लास डिवीजन, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एट्सेट्रा, और हमें ये चीज़ें यूज़ करके वो बनाने का है। सो और हमें फ्रेंड क्लास भी दिखाने की है। सो हमें दो क्लासेस चाहिए होंगी। सो इधर मैं एक क्लास बनाऊंगी जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी स्टूडेंट्स की, लाइक एक पर्सन क्लास बनाऊंगी मैं। एंड देन रोल नंबर क्लास डिवीजन के लिए उसका फ्रेंड क्लास स्टूडेंट। सो क्लास बनाते हैं पर्सन, एंड और एक क्लास रहेगा स्टूडेंट। ओके, सो ये क्लास स्टूडेंट अपना फ्रेंड क्लास रहेगा। सो पहले उसको मैं डिक्लेयर करके रखती हूँ क्लास स्टूडेंट, एंड इसके पब्लिक सेक्शन में मैं उसको उसका फ्रेंड बनाऊँगी, फ्रेंड क्लास स्टूडेंट। ओके, सो इसमें मैं प्राइवेट डेटा रखूँगी बिकॉज फ्रेंड क्लास उसको एक्सेस कर सकती है आराम से। सो डेटा विल बी प्राइवेट इधर का प्राइवेट। उसमें आएगा अपना स्ट्रिंग नेम, देन क्या है, ब्लड ग्रुप, ओके ब्लड ग्रुप, देन कॉन्टैक्ट एड्रेस, देन टेलीफोन नंबर भी हम स्ट्रिंग रखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इंटीजर हो जाएगा वरना वो, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ओके, इतना उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। एंड बाकी चीज़ें हमें स्टूडेंट में देने की है। स्टूडेंट में भी हम डेटा प्राइवेट रखते हैं। स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं। इधर इंटीजर रोल नंबर रहेगा, देन क्लास रहेगी और डिवीजन रहेगा। सो स्ट्रिंग रखते क्लास, और हमें पॉइंटर्स भी यूज़ करने के हैं। सो डिवीजन को मैं पॉइंटर रखती हूँ, इंटीजर कैरेक्टर पॉइंटर रखते हैं, ABCD डिवीजन कुछ रह सकती है, कैश स्टार डिवीजन। ओके, क्लास नेम करते हैं इसको, सिंपली CN करते हैं क्लास नेम। सो डेटा का हो गया। अभी उस डेटाबेस में हमें मेंबर फंक्शंस बनाने के, इनिशियलाइज करने के लिए अपनी वेरिएबल्स, एंड हमें कंस्ट्रक्टर्स भी यूज़ करने के हैं, डिफॉल्ट, कॉपी एंड डिस्ट्रक्टर भी यूज़ करने का है। सो इधर का कंस्ट्रक्टर रहेगा पर्सन, इधर का डिस्ट्रक्टर रहेगा टिल्ड पर्सन, देन एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाने का, इधर उन्होंने बस डिफॉल्ट और कॉपी बोला है, पैरामीटराइज्ड नहीं बोला है। सेम इधर भी लेते हैं हम लोग, और इधर बस स्टूडेंट का बनाते हैं, पब्लिक सेक्शन में आएगा ये स्टूडेंट। अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, अपनी जो अपने वेरिएबल्स है ना उसमें गार्बेज वैल्यू निकाल के कुछ मीनिंगफुल वैल्यू डालेगा। सपोज़ इंटीजर में गार्बेज वैल्यू की जगह वो ज़ीरो डाल देगा। सिंपल ऐसे ही हमें अपनी इधर सब स्ट्रिंग्स ही है, सो सबको हमें बस कुछ तो ब्लैंक स्ट्रिंग दे के रखते हैं, गार्बेज वैल्यू से बहुत बेटर रहता है ये। एंड देन टेली DLO और DOB है। ओके, और इधर के स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर में रोल होगा 0, देन CN होगा ब्लैंक, एंड डिवीजन पॉइंटर इनिशियली होगा नल।
देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम हो गया, अभी मेंबर फंक्शंस फॉर एक्सेप्टिंग डेटा बनाने का है हमें। मेंबर फंक्शंस फॉर एक्सेप्टिंग डेटा, सो इधर एक void एक्सेप्ट पर्सन बनाते, एक्सेप्ट पर्सन, एंड इसमें हम सी आउट करेंगे एंटर योर नेम, एंड देन हम सीन करेंगे नेम। ऐसे मैं सब फील्ड्स का बना के रखती हूँ। मैंने इधर void accept person बना के रखा पूरा, अभी इधर void accept student भी सिमिलरली मैं बना के रखती हूँ। मैंने रोल नंबर क्लास डिवीजन का बना के रखा, और इधर मैंने कैरेक्टर डी लिया जिसमें मैं डिवीजन लूँगी, एंड देन डिवीजन को बस मैं रेफरेंस भेजूँगी डी का। एक्सेप्टिंग के फंक्शंस बन गए, अभी सिमिलर फंक्शंस को हम कॉपी करके बस डिस्प्लेइंग के फंक्शंस बनाएंगे कि वो एक एक चीज़ डिस्प्ले करेगा, नेम इज दिस, एड्रेस इज दिस वगैरह। सो मैं बना के रखती हूँ पहले कि ऐसे फॉर्मेट की स्ट्रिंग बनाऊंगी मैं, वन लाइन में पूरा डेटा डिस्प्ले करूंगी एक पर्सन का। ऐसे मेरा डिस्प्ले पर्सन फंक्शन बन गया। सिमिलरली मैं डिस्प्ले स्टूडेंट फंक्शन बना के रखती हूँ। अभी मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैंने ये दो दो बार ऐसे क्यों किया है, मैं सेपरेटली एक्सेप्ट सेपरेटली डिस्प्ले कर रही हूँ एक ही पर्सन को, भाई उसके दो अलग आइडेंटिटीज़ है फिर भी वो एक ही पर्सन है ना, और हमने स्टूडेंट क्लास को इवन इसका फ्रेंड भी बनाया है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि पूरी की पूरा चीज़ ये एक्सेप्ट डिस्प्ले हम पूरा फ्रेंड क्लास में करेंगे, एंड इवन पर्सन में हमें डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने कोई डायनामिकली कोई वेरिएबल बनाया नहीं है जिसे हमें डीएलोकेट करना हो मेमोरी। पर इधर हमें डिस्ट्रक्टर लगेगा, इधर हमने डिवीजन पॉइंटर बनाया है ना, सो हम बस उसे डिलीट कर देंगे, डिलीट डिवीजन पॉइंटर को हम डिलीट कर देंगे, एंड इधर अपने एक्सेप्ट डिस्प्ले फंक्शंस को हम मॉडिफाई करेंगे अभी। तो ये जो पर्सन की चीज़ें है ना, ये हम पर्सन का फंक्शन निकाल के हम स्टूडेंट में ही डाल देंगे, एंड हम कोई भी फ्रेंड के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करते हैं तब हम फ्रेंड का ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर लेते हैं उस फंक्शन को। सो ये रहेगा ऑब्जेक्ट, ओके, एंड पी बनाते हैं उसको, एंड बस पी के रेफरेंस से हम उसकी वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे फ्रेंड के फंक्शन में। सिंपल। सो अपना बस एक ही बार हमें एक जन को एक्सेप्ट करने का है, हमें बार बार उसकी दो दो आइडेंटिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने का है। सिमिलरली अपना ये जो था इसको भी हम पर्सन का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एंड हम उसको डायरेक्टली डिलीट कर देंगे इधर, एंड अपने डिस्प्ले पर्सन आई मीन डिस्प्ले स्टूडेंट है ये, डिस्प्ले स्टूडेंट में हम ये डाल देंगे, और इधर हम पर्सन की ऑब्जेक्ट लेंगे फिर से, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, एंड बस उसका रेफरेंस दे देंगे उस ऑब्जेक्ट का। उससे अपना फ्रेंड कभी भी प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकता है अपने जो क्लास में वो डिक्लेयर था उसका। एंड इधर हम और तीन फील्ड्स ऐड करेंगे बस, जो है रोल नंबर, डिवीजन, रोल नंबर इज रोल नंबर, डिवीजन इज अपना डिवीजन का, ये अपने को एड्रेस देगा क्योंकि दिस इज अ पॉइंटर, और है क्लास नेम, क्लास नेम विल बी CN। बस तो अपना एक कॉमन एक्सेप्ट डिस्प्ले फंक्शन बन गया। अब हम ऐसा करेंगे कि हम बस किसी एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सब कुछ एक्सेस करेंगे। ओके, सो इधर
हमें इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना पड़ेगा, सो हम इधर कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग बना के रखेंगे। मतलब बस हमने स्टूडेंट का सब कुछ कॉल किया, सो बाय डिफ़ॉल्ट पर्सन का सब कुछ कॉल हो ही जाएगा। इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर निकाल देते हैं, हम इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सो इधर आएगा कॉस्ट स्टूडेंट एंड S1। अभी इधर कॉपी आएगा, सो बस हम उस ऑब्जेक्ट के सब वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट हमें आए उसमें डाल देंगे, जिससे वो उसका कॉपी बन जाएगा। सो बस हमें एक्चुअली यूसेज में हम वो यूज़ नहीं करने वाले, सो मैं इधर सिंपल पर्सन का ही कॉपी कंस्ट्रक्टर दिखा देती हूँ। कॉन्स्ट पर्सन एंड ऑब्जेक्ट पर्सन का, देन हमें बस पी इक्वल टू लाइक ओरिजिनल नेम इज इक्वल टू पी ऑब्जेक्ट का नेम, देन ओरिजिनल बी एल ओ इज इक्वल टू पी का बी एल ओ। मतलब जो सपोज हमने P1 इक्वल टू P2 ऐसे कॉल किया नीचे, सो P1 में P2 के ऑब्जेक्ट का नेम चला जाएगा, ऐसे सब उसे वो कॉपी बन जाएगा उसका। सो एड इज इक्वल टू P.add, ऐसे बस हमें अपना कंस्ट्रक्टर बनाने का है। सो इस हिसाब से कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया। अभी नीचे अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का इक्वल कर दिया, मतलब उसको असाइन कर दिया, सो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड उसके वेरिएबल्स ऐसे इनिशलाइज हो जाएंगे। सो हमने कंस्ट्रक्टर देखा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया, फ्रेंड क्लास हो गया, इनलाइन डिलीट ऑपरेटर भी हमने यूज़ किया है, इनलाइन कोड देखते हैं। इनलाइन फंक्शन मतलब बस जो फंक्शन लाइक बार बार कॉल होता है ना, उसे हमने इनलाइन किया तो फिर उस फंक्शन के कॉलर के इधर ही उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इससे टाइम बचता है। और ये लाइक कंपाइलर ही करता है, हम कुछ करने नहीं जाते, हमें बस इनलाइन करना है किसी फंक्शन को, सो हम बस उसको इनलाइन डिक्लेयर कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करते हम लोग, कंपाइलर ही सब कुछ करता है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज़ करेंगे एंड हम पूरे कोड को रन कैसे करना है, नीचे कॉलिंग कैसे करना है वो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।